अहम खबर है लाहौर से। जमान पार्क की जानिब आने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मॉल रोड से आने वाली सड़क को बंद किया गया है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। राना फाहद हमारे साथ मौजूद है। राना फाहद, क्या मामला है, क्यों ये रोड ब्लॉक की गई है? मैं इस वक्त जमान पार्क के बिल्कुल सामने मौजूद हूं और यहां पर अब से कुछ देर कब तो सूरत हाल मामूल के मुताबिक थी, मगर अब जो है वो अचानक जो है वो मॉल रोड से आने वाली रोड को मुकम्मल तौर पर जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस वक्त मॉल रोड पर तैनात है और पुलिस की जानिब से इस रोड को बंद कर दिया गया है। और अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो इस साइड से जो ठंडी सड़क से आने वाली ट्रैफिक है उसको भी जो है वो बंद किया गया है। और इसके साथ साथ जो गड़ी शव से रोड जमान पार्क की तरफ आती है, किनौर रोड की तरफ आती है, उस जो है वो रोड पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात है। वहाँ से भी जो है वो ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त ये किनाल रोड है जो माल रोड से जो है वो जमान पार्क की जानब आती है, जो मुकम्मल तौर पर इस वक्त ट्रैफिक के लिए बंद है। ज़राए का ये कहना है कि माल रोड के पुल से पहले ही, अंडरपास से पहले जो है इस रोड को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था और अब ये मुकम्मल तौर पर बंद है। दूसरी जानब ट्रैफिक जब रुक गई तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद एक कारकुनान भी जो है वो बाहर रोड पर पहुँच चुके हैं। अगर मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाए तो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो टोलियों की सूरत में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी इस वक्त मौजूद हैं। क्यों ये बंद की गई है इस हवाले से जो है वो ताहाल ये बताया नहीं जा रहा कि इस रोड को क्यों बंद किया गया है। तहम अब से कुछ देर कब जो है वो इस रोड को बंद बताया गया, लेकिन पुलिस की भारी नफरी इस वक्त मॉल रोड पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया राना फाहद, आपने अपडेट किया।